IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला अक्षर की कहानी। आज का अक्षर है घ। तो आइए सुनते हैं कहानी घ से घोड़ा। कैसे हो तुम? नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं भाई। है भैया, आज आप कहानी नहीं सुनाओगे? आज आज हम घ से घोड़े की कहानी सुनेंगे। सरपट दौड़ता है ना। तो बच्चों, एक घोड़ा बहुत ही ज्यादा आलसी था, बहुत ही ज्यादा। दिन भर उसका काम था सिर्फ खाना खाना और सोना। तो वो घी, घ से क्या होता है? घी। तो वो घी डाल डाल कर खाना खाता, मिठाई खाता, लेकिन हरी हरी घ से घास उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो घ से घोड़ा घ से घी तो खाता था, पर घ से घास बिल्कुल नहीं खाता था। दिन भर घर घर खर्राटे लेकर सोता रहता। बच्चों, वो आलसी घोड़ा खा खा कर खूब मोटा होता जा रहा था, मोटा। सारे के सारे उसके जो दोस्त थे ना, वो घोड़े को समझाते, पर वो घमंडी घोड़ा किसी की बात सुनता ही नहीं था। इस कान से सुनता और इस कान से निकाल देता। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। तो बच्चों, उसका एक मोटा दोस्त भी था। वो मोटा था लेकिन पता, छोटा सा था, छोटा सा चूहा। चूहा, बजा ताली, शाबाश। तो वो जो उसका एक दोस्त था मोटा चूहा, उसका एक नाम और भी होता है, क्या कहते हैं उसे? घूस। रेणुका ने बिल्कुल सही कहा, घूस। तो घ से घूस। हाँ, घ से घूस अंदर घुसता है। अच्छा, घ से घुसता। हाँ, घूस अपने बिल में घुसता था, घ से घुसता था। इसी बात पर बजाओ ताली, शाबाश शाबाश। हाँ तो बच्चों, तो उसका जो दोस्त था मोटा चूहा यानी घ से घूस, वो घ से घंटा बजा बजा कर घोड़े को जगाता। घ से घंटा होता है ना, घंटा। पर फिर भी घोड़ा जो था इतना सुस्त था, इतना ज्यादा सुस्त था कि सोता ही रहता। कैसे सोता था बताओ, कैसे सोता था घोड़ा? ऐसे। अच्छा, एक थी चिड़िया जिसका नाम था घीनी। घ से घीनी, जो कैसे बोलती थी? ऐसे बोलती थी। तो जो घीनी थी, घ से घीनी, वो घ से घोंसले में बैठी बैठी जोर जोर से ची 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 शोर मचाती और घोड़ा फिर भी ना उठता, इतना गहरी नींद में सोता था। तो घ से घीनी, घ से घोसला। वो घोड़े बेच के सोता था। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, घ से घोड़ा घोड़े बेच कर सोता था, खुद ही कहीं बेच देता था। हाँ तो बच्चों, घोड़ा खा खा कर इतना ज्यादा मोटा हो गया था कि वो चल भी नहीं पाता था। हाँ, चल भी नहीं पाता था। और एक बार उसने घोंगे से एक रेस लगाई कि कौन तेज दौड़ता है। घोंगा जानते हो कौन होता है? घोंगा स्नेल। शाबाश, बजाओ ताली, बजाओ इसी बात पर। छोटा सा होता है ना स्नेल, घोंगा। स्कूल में बहुत आते हैं, फिर हमारे घर के बाहर भी बहुत आते हैं, बारिश में आते हैं वो। सही कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने भैया, हमारे स्कूल में भी आते हैं, वो छुप जाते हैं। भाई हमारे बच्चे बड़े होशियार हैं। तो घोंगा, ये बताओ, तेज दौड़ता है, धीरे धीरे दौड़ता है? धीरे 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 दौड़ता है। हाँ तो बच्चों, फिर पता क्या हुआ? हमारा जो घोड़ा था ना, वो उससे भी हार गया। बहुत आलसी था, बहुत ज्यादा आलसी था बेटा। तो बच्चों, फिर जब घोड़ा हार गया तो फिर तो भाई घोर अपमान हुआ घोड़े का, घ से घोर। लेकिन फिर भी उस आलसी घोड़े ने अपना घमंड नहीं छोड़ा। घ से क्या हुआ? घ
घमंडी, घासे घमंडी, घासे घोर, घासे घोड़ा, घासे गुन गुन, गुन गुन, अरे वाह, घासे घड़ी, घंटा घंटा, वाह वाह। पता फिर एक दिन क्या हुआ, घोड़े के दिल में बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी। वो ज्यादा खा गया होगा इसलिए उसके पेट में नहीं पचा। हाँ, तो घोड़े के दिल में बहुत घबराहट सी होने लगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे आखिर हुआ क्या है। वो हाय हाय करके शोर मचाने लगा। हाँ, तो उसके सारे जो दोस्त थे ना, वो मदद करने चले आए और फिर उन्होंने डॉक्टर घड़ियाल को बुलाया। घासे घड़ियाल, घड़ियाल जो था वो उस जंगल का डॉक्टर था। तो बच्चों, डॉक्टर घड़ियाल ने उस बीमार घोड़े को देखा, उसका चेकअप किया, नब्ज देखी, टिक 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 टिक, बड़ी तेज चल रही है इसकी नब्ज। अब मैं इसका दिल देखता हूँ, धक 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 धक, हैं, ये भी बहुत तेज चल रहा है। हाँ, कुछ गड़बड़ है, हाँ, इसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। अरे मर गया, और फिर बच्चों, सुई लगते ही घोड़ा जोर से हिनहिनाया और वो उठ खड़ा हुआ और फिर डॉक्टर घड़ियाल ने उसे दवा का कड़वा घोल पिलाया। ले पी ले। हाँ, तो बच्चों, तो फिर घासे घड़ियाल, डॉक्टर घड़ियाल ने घासे घोड़े को घासे क्या पिलाया, घोल, दवा का घोल पिलाया, शाबाश। फिर डॉक्टर घड़ियाल घोड़े से बोला, देखो भाई घोड़े, तुम बिल्कुल व्यायाम नहीं करते। व्यायाम मतलब कसरत, कसरत यानी एक्सरसाइज, और तुम बस घी मिठाई खाते रहते हो, इसलिए तुम्हारी ये हालत हो गई है। भाई तुम घर से बाहर निकला करो, घुमा फिरा करो, कसरत किया करो, पौष्टिक आहार खाओ, हरी सब्जियां खाओ, हरी हरी घास खाओ, खूब पानी पियो, तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो बताओ बच्चों, घासे घोड़े को घासे घड़ियाल ने घासे क्या खाने को मना किया, घासे घी खाने को मना किया, और घासे क्या करने के लिए कहा, घास खाने के लिए कहा, और घासे घूमने फिरने के लिए कहा, घासे हरी हरी सब्जियां खाने के लिए कहा। और बच्चों, फिर ये सुनकर घोड़े को अकल आ गई, वो अब साफ समझ गया था। उसने आलस उसी दिन से छोड़ दिया, उसी वक्त से छोड़ दिया, और अब वो रोज सरपट सरपट दौड़ लगाने लगा। हाँ, और सबका प्यारा दोस्त घोड़ा फिर से पहले की तरह चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ हो गया, और कहानी हुई खत्म। तो बच्चों, तो कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तो मैं चलूं, बाय बाय, नमस्ते बच्चों, नमस्ते, खुश रहो, बाय बाय। एक घमंडी आलसी घोड़ा रहता बहुत उदास, घड़ी घड़ी खाई घी मिठाई, कभी न खाता घास। घासे घोड़ा घी घमंडी, घासे घड़ी घड़ी और घास। जाए घोसले से घीनी चिल्लाकर, उठा न पाए सोता घोड़ा, लेकर काटे घर घर। घासे घंटा घूस घोसला, घासे घीनी घोड़ा घर घर। घोंगा दौड़ में आगे आया, पीछे रह गया घोड़ा, घोर अपमान सहा घोड़े ने, पल घोर घासे घोंगा, घा घमंडी घासे घोड़ा।
घासे घर और घोड़ा, घमंड छोड़ अब सरपट दौड़ा, सबका प्यारा घोड़ा, सबका प्यारा घोड़ा, सबका प्यारा घोड़ा, सबका प्यारा घोड़ा। घासे घोड़ा। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कलाकार प्रवीण शर्मा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, गायन स्वर अनुजा बिसारिया, प्रेम कुमार और बच्चे, ध्वनिंकन बटी लैंगलिंगडो और सरोज महापात्रा, निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल, आलेख निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।